दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों में बेस्ट स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन देने वाला हूं, जिस ऐप का आप यूज़ करके आप अपनी एक प्रोफेशनल और स्मूथली स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग यहां पे रील्स पे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे आप लोग कहीं पे भी स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो बनाते हैं, जब तक आप लोग की वीडियो स्मूथ स्लो मोशन और फास्ट मोशन नहीं होती है तो आपकी वीडियो जो है अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट स्मूथ स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन देने वाला हूँ, जिसका आप यूज़ करके आप लोग बहुत ही प्रोफेशनली अपनी स्मूथ स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो को एडिट कर सकते हैं। गाइस ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को 10 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं और वो अपनी वीडियो को स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो बना के इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब पे वो अपलोड कर रहे हैं और उनकी वीडियोस पे काफ़ी अच्छे लाइक्स और व्यूज़ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी स्मूथ स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल की रहेगी। दोस्तों अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन और कैसे यूज़ करनी है और उस एप्लीकेशन से आप लोग अपनी वीडियो को स्लो मोशन और फास्ट मोशन कैसे बना सकते हैं वो भी स्मूथली, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करने के लिए आप लोग को चले जाना होगा प्ले स्टोर पे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर पे जो है ये वाली एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना। ये एप्लीकेशन का नाम है इफेक्ट, तो ये एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन को जब आप लोग ओपन करेंगे तो इस एप्लीकेशन में शुरुआत में हो सकता है कोई परमिशन आ जाए और परमिशन देने के बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस इसमें स्पीड, कॉलेज, रिवर्स और मेजर इफेक्ट ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्लो मोशन और फास्ट मोशन की, तो यहाँ पे आप लोग स्पीड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग की गैलरी में जितने भी वीडियोस पड़े होंगे वो सारे के सारे वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगे। गाइस आप लोग अपनी वो वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए जिस वीडियो को आप लोग स्लो मोशन और फास्ट मोशन करना चाहते हैं या जिस वीडियो में आप लोग स्लो मोशन और फास्ट मोशन डालना चाहते हैं। ये वाली वीडियो मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसका जो साउंड है मैं म्यूट कर देता हूँ। अब गाइस आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और गाइस ये आप लोग देख सकते हैं आप लोग की ये वीडियो है जो है बिल्कुल ही नॉर्मल है। अब गाइस इस वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन डालना है तो आप लोग यहाँ पे फास्ट मिलता है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो फास्ट मोशन डल जाएगा, यहाँ पे स्लो पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो में स्लो मोशन डल। मैं क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पूरी की पूरी लेयर में फास्ट मोशन हो जाएगा, देख सकते हैं इसको आप लोग पूरी की पूरी लेयर में फास्ट मोशन डाल सकते हैं। और आप लोगों को यहाँ पे स्लो मोशन डालना पूरी की पूरी लेयर में तो आप लोग इसको जो अंडू कर लीजिए और यहाँ पे आप लोग अंडू करके इसमें आप लोग को जो मिलता है यहाँ पे स्लो, तो यहाँ पे स्लो पे आप लोग क्लिक कर दीजिए तो आप लोग की पूरी लेयर में स्लो मोशन हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारी पूरी की पूरी लेयर स्लो मोशन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग पूरी की पूरी लेयर में अपनी वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन डाल सकते हैं। गाइस आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की कहीं वीडियो स्लो हो कहीं फास्ट हो तो ये करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये मैं क्या करता हूँ पहले इसको अंडू कर लेता हूँ। अब मैं पहले आगे का पार्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ फास्ट, तो मैं यहाँ पे फास्ट क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे जो रेड पट्टी है इसको मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ। वीडियो में मैं प्ले करूँगा तो यहाँ तक मेरी जो सही है यहाँ तक मेरी फास्ट है। और गाइस यहाँ पे मैं इसका जो स्पीड है फास्ट मोशन का वो बढ़ा लेता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और इसका जो फास्ट मोशन है यहाँ मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हैं, मैं 2.7 कर लेता हूँ, यहाँ पे जितना आप लोग बढ़ाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने कर लिया और आप लोग देख सकते हैं वीडियो को मैं प्ले करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं फास्ट है। और यहाँ पे मैं इधर से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्लो, तो इसको मैं कर लेता हूँ अप्लाई और अब मैं करूँगा स्लो, यहाँ मैं स्लो पे क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ तक छोटा। तो इस तरीके से आप लोग स्लो मोशन और फास्ट मोशन डाल दीजिए। अब यहाँ मैं फास्ट कर देता हूँ तो ये ऑलरेडी है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और इसमें कर लेता हूँ फास्ट, ये फास्ट हो गया। इसकी लेयर मैं छोटी करूँगा और इधर डाल देता हूँ मैं स्लो। तो ये हमारी जो है वीडियो स्लो मोशन और फास्ट मोशन हो चुकी है, ये देख सकते हैं स्लो फास्ट स्लो। तो ये यहाँ पे मैं इसको और स्लो कर देता हूँ, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और इसकी लेयर को मैं और स्लो करूँगा, अप्लाई करूँगा और इसको मैं लेयर को सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं डाल देता हूँ फास्ट मोशन। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्लो मोशन और फास्ट मोशन डाल सकते हैं। वीडियो को प्ले करेंगे ये फास्ट और ये देख सकते हैं स्लो, और ये फास्ट ये स्लो।
तो ये इस तरीके से आप लोग अपनी वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग की जो वीडियो है रेडी हो जाती है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग क्वालिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं हाई सिलेक्ट करूँगा और ये देख सकते प्रोसेसिंग चलेगी। इसको मैं कट कर देता हूँ, ये प्रोसेसिंग चल रही है हमारी वीडियो। यहाँ मैं थोड़ा वेट करूँगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग को जो है फिल्टर वगैरह डालने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग कॉन्ट्रास्ट वगैरह होते हैं, ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पे करना चाहें, कलर फिल्टर वगैरह है तो यहाँ से आप लोग कलर फिल्टर डाल सकते हैं। तो और इसके बाद यहाँ पे कर दीजिए राइट। तो ये आप लोग यहाँ से कलर फिल्टर यहाँ से डालना चाहें तो आप लोग कलर फिल्टर डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को मिलता है नेक्स्ट, इसको आप लोग राइट कर दीजिए। और इसके बाद मिलता है यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक कीजिए और ये प्रोसेसिंग होगी, ऐड आएगी, ऐड को कट कर दीजिए और ये आप लोग की फुल हो जाएगी। तो इसके बाद ये वीडियो आप लोग की एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमारी ये जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद सेव पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और ये आप लोग की वीडियो गैलरी में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी इस एप्लीकेशन का यूज़ करके अपनी वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन डाल सकते हैं। तो गाइस ये है बेस्ट स्लो मोशन और फास्ट मोशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों ये एप्लीकेशन पसंद आई हो और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को एक लाइक। और चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हो सके तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोगों को मिल जाए। सो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।